देखिए सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सच फिर भी सच है। राम मंदिर से जुड़े सभी पक्षकार, हिंदू पक्षकार, हिंदू साधु संत अच्छे स्वभाव के लोग हैं, उनमें इंसानियत है। राम मंदिर के नाम पर खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन वहीं पर मुस्लिम कट्टरपंथ और शिया कम्युनिटी से अकेले एक मौलाना कल्बे जवाद, जिन्होंने बाबरी ढांचे के पक्ष में गवाही दी अकेले वाही एक, और बाकी सुन्नी समाज के 80% जो पाकिस्तान से मिलने वाली नापाक रकम को खाकर उनके जमीर मर चुके हैं, उनकी जहन जो है वो आतंकी जहनियत हो चुकी है। 4.5 साल गुजर चुके हैं बाबरी पक्षकारों की हुकूमत को गए हुए, और वो बाबर जिसने 1528 में बाबरी मस्जिद बनवाई थी राम मंदिरों को तोड़वाकर, वो बाबरी कलंक था। आज उस कलंक जो ढा चुका है, खत्म हो चुका है, उस पर खून खराबा करने पर आमादा है। कम से कम अभी भी वक्त है, समझना चाहिए। मुसलमानों के मफाद में बात को समझकर समझौते के ऊपर बात करनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिद अमन बन जाए, यह मामला खत्म हो जाए, इस पर बात कर लेनी चाहिए।